दोस्तों, जब भी आप गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करते हैं और आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करते हैं, एज ए आप मिडिल क्लास आप मान सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए गुड़गांव के अंदर 2-3 करोड़ के अंदर आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम हाई राइज की बात करते हैं तो 2 करोड़ प्लस में ही चीज़ें जाती हैं, यहाँ तक कि 2-2.5 करोड़ में कुछ भी नहीं आता है। अगर हम अच्छी लोकेशन की बात करें, आने वाली डेवलपमेंट की बात करें, तो आज कुछ इसी तरीके की आपके लिए एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूं मैं, जिसमें एक मिडिल क्लास आराम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और जिन लोगों को जल्दी शिफ्ट करना है प्रॉपर्टी के अंदर और डायरेक्ट बैंक लोन की भी सुविधा लेनी है, तो उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी बड़ी खास है, क्योंकि ये विदिन 6 to 7 month के अंदर ये प्रॉपर्टी हैंडओवर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर लोकेश दत्त जी, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोकेश जी से डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट है और हमें क्यों परचेज करना चाहिए, ये भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लोकेश जी, स्वागत है आपका, और आप हमारे व्यूवर्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से हेल्पफुल रह सकता है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें गाइड कीजिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच थैंक यू सुमित जी, सर। आप राइजिंग होम्स को आज कवर कर रहे हैं। जी सर, काफी टाइम से हम आपको कांटेक्ट करना चाह रहे थे कि आप जी हमारे प्रोजेक्ट को कवर करें, और ओके। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रियल एस्टेट की। मैंने काफी वीडियोस आपकी देखी हैं, और आपके जो होम बायर्स हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, उनको उनका घर आप दिला रहे हैं थैंक यू सो और मच सर। सही प्राइस पे दिला रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट जॉब जो आप अभी कर रहे हैं। थैंक यू सर। आज हम कवर कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट राइजिंग होम्स, जी जो डेवलप कर रहे हैं एका लाइफ एंड दूत ग्रुप। ओके जी, ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ अबाउट कंपनी, कौन बना रहा है, अबाउट किस तरीके कंपनी, से। कि अर्लियर ये जो पहले प्रोजेक्ट था, ये सारे होम्स के थ्रू डेवलप हो रहा था। इट वाज अ एफडीआई फंडेड कंपनी। ड्यू टू बैंक करप्सी, सारे होम्स के जितने भी फ्लैट्स थे वो सारे एनसीएलटी में आ गए थे। तो जो यहाँ के होम बायर्स थे, उन्होंने एका लाइफ और दूत ग्रुप को चूज किया है। जो हमने प्रपोजल एनसीएलटी में दिए थे, यहाँ के होम बायर्स को पसंद आए और हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। तो एका लाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ बिल्कुल दूंगा। सर, मिस्टर अजय मेनॉन जो फाउंडर मेंबर है एका लाइफ के, ये जो हमारी कंपनी है 2022 में फॉर्म हुई है, और इट्स अ बॉम्बे बेस्ड ग्रुप। वहां पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गोवंडी में चल रहे हैं और अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग है। एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, तो एनसीआर में गुड़गांव में हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो टोटल 65 एकड़ है, जिसमें 48 एकड़ का ये एनसीएलटी में प्रोजेक्ट आया हुआ था। 17 एकड़ का एक और पैच है जो अभी आने वाला है, नेक्स्ट ईयर हम लॉन्च करेंगे यहीं पे इसको, आप ट्राई करें। एडजॉइनिंग ही है बिल्कुल। ओके और 2 प्रोजेक्ट अभी हमने और लिए हैं। सेक्टर जी 79 में एक प्रोजेक्ट है अजनारा के साथ में, जो एनसीएलटी से भी हमने कवर जी किया है, और एक थर्ड प्रोजेक्ट है सेक्टर 150 में, वन फिफ्टी जो अभी अपकमिंग है, अभी प्रोसेस में है, तो वो भी हमारे पास जल्दी होगा। ओके अब हम गुड़गांव के प्रोजेक्ट की बात करते हैं। 48 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग है ये टोटल, जो मिक्स है आपका लो राइज और हाई राइज। ओके सर, इस थोड़ी ही कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा बताइए। कनेक्टिविटी की अगर आप बात करें ना, तो न्यू गुड़गांव के जितने भी सेक्टर्स हैं ना, ये बहुत डिमांड में है आज की डेट में। बिल्कुल इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज जो भी प्रॉपर्टी है होम बायर्स के लिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए और अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, तो एक न्यू गुड़गांव ही आपके पास ऑप्शन है, जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल अदरवाइज आप गुड़गांव में डीएलएफ की बात करें या फिर गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, एसपीआर एक्सटेंशन रोड, यहाँ प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप हो चुके हैं। तो जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू गुड़गांव, जहां पे वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने सपनों का घर ले सकते हैं। बिल्कुल कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखेंगे, तो ये NH-8 से वेल कनेक्टेड है, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है, एयरपोर्ट हार्डली यहाँ से 18-19 किलोमीटर है, बिल्कुल
और पटौदी रोड से ये कनेक्टेड है, तो क्या है कि आप मेट्रो जो है वो प्रपोज्ड है यहाँ पे, तो अगले 3-4 साल के अंदर मेट्रो आएगी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और उसके बाद में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत बढ़िया है कंपैरिजन टू एसपीआर, कंपैरिजन टू एक्सटेंशन, क्योंकि ये एरिया सारा मानेसर के अंदर आता है ना, तो मानेसर का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव से बेटर है। मानेसर इससे थोड़ा सा अलग आता है, न्यू गुड़गांव जो पॉकेट बनाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एडजॉइनिंग मानेसर के है, पर क्या है कि आपको यहाँ का जो AQI है ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर है, क्योंकि ये सारा आगे अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर एरिया आ जाता है, जैसे झज्जर की तरफ जाते हैं हम। हाँ जी, क्योंकि यहीं से, और यहाँ से जैसे हम पटौदी की साइड जाते हैं तो भी एग्रीकल्चर एरिया आ जाता है, और यहाँ से कुछ टाइम में मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट में आपका केएम भी आ जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लैंड है वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, अब जो लैंड है वो झज्जर की तरफ आएगा या फिर आगे आपकी पटौदी की तरफ आएगा, तो ये एक्सटेंड होता जा रहा है सारा का सारा। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल 60 मीटर रोड से कनेक्टेड है, और ये सेक्टर 92 के अंदर पड़ता है, और अगर इसके आसपास के जो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा इसी के सामने लो राइज के प्लॉट हैं जो जेएमएस ने स्टार्टअप किया था एज ए दीनदयाल, और जेएमएस भी यहाँ भी हाई राइज, सिग्नेचर, डीएलएफ, यहाँ मतलब बड़े बड़े डेवलपर की ऑलरेडी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटअप है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, 60 मीटर प्लस 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी आती है इसकी यहाँ पे। तो सर और क्या इसके बेनिफिट है प्रोजेक्ट की, थोड़े आप बताइए। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो 60 मीटर रोड से कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, बैक साइड में 24 मीटर रोड बिल्कुल प्रोजेक्ट के एडजॉइनिंग है, सेक्टर रोड है। इसके बीच में अगर आप प्रोजेक्ट की एमिनिटीज की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड यूनिट्स हैं 3 BHK और 4 BHK में। 4 BHK के जो टावर्स हैं ये 6 टावर्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है, और टेरेस पे हम रूफटॉप स्काईवॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, और 6 अलग-अलग डेक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपका योगा डेक है, मेडिटेशन डेक है, हर्बल गार्डन है, ओपन जिम है, स्टार गेज डेक है। तो ये सारी चीजें जो है इस प्राइस में मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें कि इसके जो फ्लैट्स हैं इनकी जो एफिशिएंसी है बहुत हाई है, इसमें सिर्फ आपकी 22% की लोडिंग है, 78% की एफिशिएंसी मिलती है आपको इन फ्लैट्स में, और बिटवीन 1.5 CR से लेके 2.5 CR के बीच में आपको 3 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम अवेलेबल। बिल्कुल। इसमें लोडिंग क्या रहती है सर? लोडिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोडिंग 22% है। 22 काफी है दोस्तों, आज के टाइम में आपको इतनी लोडिंग कहीं नहीं मिलेगी अगर आप नए प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से नया ही है, जल्दी पोजीशन मिलेगा लेकिन डायरेक्ट डेवलपर से मिलेगा आपको। तो इसमें आप बैंक प्रॉपर लोन प्रोवाइड कितना हो जाता है सर इसमें? इसमें आपको HDFC और IDBI से फंडिंग है, लोन फंडिंग है, और 75% इसमें आपको 75-80% आपको लोन इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल। थोड़ी एमिनिटीज के बारे में बताइए सर इसकी। सर एमिनिटीज की अगर आप बात करेंगे तो 4.5 acre का सेंट्रल ग्रीन एरिया, सेंट्रल ग्रीन एरिया डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर 35,000 square feet का क्लब हाउस है विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, प्लस ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है। इट्स अ यूनिक थिंग कि ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल जनरली ग्रुप हाउसिंग्स में नहीं होता, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेरेस पूरी हम डेवलप करके दे रहे हैं विद रूफटॉप स्काई वॉक, तो ये सारी की सारी एमिनिटीज जो है इस प्रोजेक्ट को एनहांस कर देती है, इसकी क्वालिटी को एनहांस कर देती है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं कि न्यू गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में मेरे हिसाब से इतना सेंट्रल ग्रीन एरिया नहीं है। आप चाहे आशियाना का लगा लो या अदर प्रोडक्ट का, या DLF के फ्लोर आपके आसपास हैं,
या अभी जैसे गंगा का प्रोडक्ट आपके पास चल रहा है, तो यहाँ तक कि इतना सेंट्रल ग्रीन किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा मैंने भी। और आप ऊपर भी स्काई ओली वो कंसेप्ट आप बना के दे रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट देखा जाए तो इन्वायरमेंट भी है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी प्रोडक्ट की? सर ये लो डेंसिटी एरिया है, और इसमें अगर आप प्रोजेक्ट को देखेंगे, पीपीटी आप हमारी देखिए, पीपीटी में हमने शो किया है 75% ओपन एरिया है। इसके बाद में आपके सारे टावर्स हैं, हाई राइज टावर्स हैं, S+20 स्टोरीज हैं। ओके। इसमें जो बिल्कुल यूनिक चीज है वो ये है कि टावर के बैक साइड में और फ्रंट साइड में कोई भी टावर ही नहीं है। तो क्या है कि आपको वन साइड आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया है और बैक साइड में आपको 24 मीटर रोड है। बिल्कुल। और आपके बालकनी से अरावली रेंजेस का व्यू आराम से मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको इस प्राइस में मैं श्योर कर रहा हूँ कि कहीं नहीं मिल सकती। सर आजकल वैसे कस्टमर बार बार मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट अगर कोई सस्ता आ जाता है, क्योंकि सस्ता उसी का मिलेगा जो नया डेवलपर होगा, लेकिन मन में डाउट एक यही रहता है कि प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, पता नहीं डेवलपर बनाएगा नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे गाइज आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपके सामने प्रॉपर्टी रेडी है बिल्कुल जल्द। ये कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल आई थिंक आप पोजीशन कर देंगे सर। सर देखिए हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है एक और दूध ग्रुप का, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि सही प्राइस पे एक बेस्ट अपार्टमेंट हमारे होम बायर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि वी आर जस्ट स्टार्टअप। अभी हमारी कंपनी का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है NCR में, तो हमारा जो फोकस है वो सारा का सारा अपने कस्टमर्स को लेके है कि उनको सही प्राइस पे सही अपार्टमेंट, अच्छा अपार्टमेंट मिलना चाहिए। 48 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग में, ये गेटेड कॉम्प्लेक्स है, CCTV कवरेज है पूरी, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी सिस्टम है, तो जितने भी यहाँ पे हमारे होम बायर्स हैं ईजीली किसी भी टाइम 24/7 आपको जॉगिंग करनी हो या फिर एक ग्राउंड लगाना हो, ये 4 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस है प्रोजेक्ट का, तो आप सेफ है यहाँ पे और आपको सारी एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस 48 एकड़ लैंड पार्सल में सर कितने अपार्टमेंट हैं, कितने टावर हैं, थोड़े से इसके बारे में? सर इसमें टोटल हाई राइज की अगर हम बात करें तो 25 टावर्स है, और लो राइज में हमारे 800 फैमिलीज हैं। ओके। टोटल आप मान के चले कि 2600 यूनिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें अभी 1200 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। तो आपको सारी जो भी आपकी डेली यूजेस की चीज है वो सारी आपको अवेलेबल है यहाँ। ओके। तो अभी आप कितना डिलीवर्ड आप कर चुके हैं, अगर मैं हाई राइज की बात करूँ, और कितना अभी आपने पोजीशन देना बाकी है? सर हमें हाई राइज, वी आर डेवलपमेंट पार्टनर्स थ्रू NCLT, सारे होम्स जो हमें मिला हुआ है पूरा। तो इसमें फेज 3 में हमने 500 अपार्टमेंट्स जो डिलीवर किए हैं, पोजेशन किए हैं July 2023 में। ओके। सो अब हमें फेज 4 की डिलीवरीज देनी है। 500 अपार्टमेंट्स हैं ये टोटल, 8 टावर्स हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसका पोजेशन का, वो है दिसंबर 2024 से लेके मार्च 2025 में हम 500 अपार्टमेंट्स फेज 4 के भी डिलीवर कर देंगे। ओके। नेक्स्ट ईयर हम फेज 5 का दिसंबर में पोजेशन करेंगे। ऑलमोस्ट 275 अपार्टमेंट्स हैं जो हमें अभी नेक्स्ट ईयर फेज 5 के डिलीवर करने हैं। तो हम ये प्रोजेक्ट अगले साल तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये तो दोस्तों हमने सारी प्रोजेक्ट के बारे में समझ ली। अब मेन पॉइंट पे आते हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो चीजें हैं प्राइस, साइज और ऑफर के बारे में, और कितनी यूनिट कब तक क्या अवेलेबल हो सकती है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सर अब थोड़ा सा आप हमें क्या क्या साइज अवेलेबल है इसके अंदर, और क्या प्राइस और क्या पेमेंट प्लान है, अगर हमारा कोई व्यूअर अगर उसको बुक करता है तो उसके लिए हमारी तरफ से आप क्या ऑफर पे करें? सर इसके अंदर ना हमारे 5 साइजेस हैं जो अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। जो हमारे 2 साइज हैं वो हैं 3 BHK में 1326 and 1523 square feet। इसमें 22% की हमारी लोडिंग है, 78% की एफिशिएंसी है। फिर हमारे 3-2 acre स्ट्रक्चर है जिसमें हम 4 BHK दे रहे हैं। 4 BHK में 3 साइज हैं हमारे पास, 2040
2093 स्क्वायर फीट एंड 2226 स्क्वायर फीट। तो ये हमारे साइजेस हैं। अब हम प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस तो माइंड ब्लोइंग है। इस प्राइस में गुड़गांव में फ्रेश टावर्स अवेलेबल नहीं है। ओके। 1.48 सीआर ऑल इंक्लूसिव बॉक्स प्राइस, इसमें हमारा 3 BHK आ जाता है। और क्या साइज है सर इसका? इसमें 1326 स्क्वायर फीट है। 1326। यस। ओके। और नेक्स्ट हमारा जो है वो 1523 स्क्वायर फीट है, अगेन 3 BHK 312। 4 BHK आपका 2.40 है विद सर्वेंट कंप्लीट है। सर इतने रेट में तो आजकल दीनदयाल का फ्लोर भी नहीं आता है इतने साइज का। जैसा मैंने आपको बोला है कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, होम बायर्स को अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ में अपार्टमेंट्स डिलीवर करने हैं। और वो भी हमारा इतनी लोडिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप नए अपार्टमेंट या दीनदयाल में चले जाओ, अगर वो 1400 का अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो उसको 750-800 स्क्वायर फीट का ही कारपेट मिलेगा। नहीं, यहाँ पे आपको 78% की एफिशिएंसी मिलेगी अपार्टमेंट में, और ये अपार्टमेंट के साइज आपको मैं अश्योर कर रहा हूँ ये नहीं मिल सकते कहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितने भी उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट लाइनअप हुए थे, अगर हम पुराने कंसेप्ट पे देखें तो उसी टाइम में सबसे ज़्यादा लोडिंग होती थी, चाहे आप अदर डेवलपर के भी देख लें। लेकिन जैसे ही माइवन आया तो यहाँ पे 50% की लोडिंग ऑलरेडी कंज्यूम हो गई उसके। yes. तो जो बायर है उसको तो रहना है फ्लैट के अंदर, तो स्पेस मिलता ही नहीं है। सर जितना हमारा सेंट्रल ग्रीन एरिया है ना, इतने में आज डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज बताइए कि जो आप 148 जो रेट बता रहे हैं, इसमें फ्लैट के अंदर बायर को क्या मिलेगा? सर इसमें ना हमने ऑफर्स निकाले हुए हैं अभी, जिसमें 5 लाख रुपीज का कंपनी की तरफ से इनॉग्रल ऑफर है, डिस्काउंट है, फ्लैट प्लस 3 बेडरूम के लिए 1.5 लाख रुपीज का होम फर्निशिंग वाउचर हम दे रहे हैं। ओके। और 50,000 रुपीज का गोल्ड वाउचर हम दे रहे हैं। ओके। तो इस प्राइस के अंदर अगर ये ऑफर्स भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस महीने हमारे पास कोई अपार्टमेंट्स बचेंगे। वैसे टोटल कितने अपार्टमेंट बचे हैं सर? सर अभी टोटल हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 130 की इन्वेंट्री है, इंक्लूडिंग फेज 4 एंड फेज 5। ओके। तो जो रेडी टू मूव इन है वो हम आपको, जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिसंबर से जनवरी के अंदर हम आपको डिलीवरी देना स्टार्ट करते हैं। और इसमें कस्टमर को फ्लैट के अंदर क्या मिलेगा सर? सर फ्लैट के अंदर क्या है कि ये बिल्कुल रॉ अपार्टमेंट है, तो जो हमने होम फर्निशिंग वाउचर दिए हैं उसमें आपके एसी, गीजर्स, फैंस वगैरह ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो 3 बेडरूम के अंदर 2 लाख रुपए हम ऑफर कर रहे हैं और 4 बेडरूम के अंदर हम। तो सर अब लास्ट बात उस पॉइंट पे आते हैं कि पेमेंट प्लान क्या है। पेमेंट प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव है सर। इसमें क्या है कि हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है, फ्लैट्स रेडी है बिल्कुल, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ओसी। तो 70-30 का पेमेंट प्लान है, जिसके अंदर आपको 10% बुकिंग अमाउंट पे करना है, 60% विद इन 45 डेज है जो बैंक से फंडिंग हो जाएगी आपकी, 30% हम ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन है जो दिसंबर जनवरी के अंदर हम। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि ज्यादातर कस्टमरों को किराया भी देना पड़ता है रेंट पे, और साथ में बैंक की EMI भी भरनी पड़ती है। यहाँ कस्टमर को ये बेनिफिट है कि वो जल्दी मकान में शिफ्ट होकर उसका जो रेंटल इनकम जो वो वहाँ पे कर रहा है वो बच जाएगी उसकी, उसको वो EMI में कन्वर्ट कर सकता है। सर देखिए, ये जो एंड यूजर है ना, एंड यूजर को अपना घर चाहिए, रेडी टू मूवमेंट चाहिए, सपने नहीं दे रहे हैं अभी हम एक्चुअल घर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअल आपके सामने बिल्कुल रेडी है, और 3 से 4 महीने के अंदर हम पोजेशन कर देंगे। और अगर कोई इन्वेस्टर भी है ना, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनके लिए इमीडिएटली रेंटल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लास्टली है, जो एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इस प्राइस के अंदर जो भी कस्टमर बुक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगले 2 से 3 साल के अंदर अच्छा प्रीमियम वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस रेट के अंदर कोई भी मतलब मिडल लेवल तक का कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। हम इसको बिल्कुल लग्जरी भी नहीं कह सकते हैं। आसपास की अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो ज़्यादातर अफोर्डेबल है, जैसे आप सिग्नेचर का अफोर्डेबल लगा सकते हैं, ROFP अफोर्डेबल, ये फुल भरे हुए हैं। अगर आप चाहो तो इस सोसाइटी के अंदर भी विजिट करके देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसमें फैमिलियाँ भी रह रही हैं, और यहाँ पे रेंट आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे लोग गुड़गांव से ना बाहर निकल रहे हैं हम, और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, और 1.5-2 करोड़ के अंदर आपको यही मिलेगी, और कहीं भी नहीं मिलेगी गुड़गांव के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी। यहाँ तक कि सोना के अंदर भी महंगी हो गई है, सोना के अंदर भी इस रेट में नहीं मिलती। यहाँ की मेजर कनेक्टिविटी में बता देता हूँ, यहाँ से जस्ट 5 मिनट आपका पटौदी रोड है, पटौदी रोड से रेवाड़ी हाईवे कनेक्ट किया जा रहा है डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो आपको ना तो पटौदी रोड के थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे जाने की जरूरत है, आप डायरेक्ट हाईवे से कनेक्ट किया जा सकते हैं, केएमपी से कनेक्टेड है, यहाँ ग्लोबल सिटी नियर बाय है, एजुकेशन ऑलरेडी आसपास, स्कूल काफ़ी अच्छे हैं, यदुवंशी है, DPS है, यहाँ पे हेल्थ केयर आपके मेडिकल सुविधाएं ऑलरेडी रनिंग है, कॉलेज आसपास सेक्टर 87 जहाँ पे गुड़गांव यूनिवर्सिटी, तो मेजर कनेक्टिविटी है इस एरिए के अंदर। तो ये ऑप्शन आपके लिए बड़ा परफेक्ट है, आप पूरे गुड़गांव में घूम लो अगर डायरेक्ट डेवलपर से इस रेट में अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो। अगर इस रेट में मिलेगा तो आपको बहुत कम दीनदयाल का फ्लोर भी मेरे हिसाब से मुश्किल से मिलेगा सर, दीनदयाल का फ्लोर भी नहीं आता है सर, तो हाई राइज में रेडी टू मूव है। दीनदयाल की फ्लोर की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं है, और 9 मीटर्स की आपकी रोड होती है, और जो आपका पार्किंग है, पार्किंग प्रॉब्लम बहुत है उसके, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं है पार्किंग के लिए। बिल्कुल। पर अगर आप ग्रुप हाउसिंग की बात करते हैं तो ग्रुप हाउसिंग का जो डिजाइन है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों आप एक विजिट का समय निकालिए और प्रोजेक्ट को देखिए, समझिए, लोकेशन देखिए, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी आपको पूरे गुड़गांव में नहीं मिलने वाली इतने रीजनेबल प्राइस के अंदर, और वो भी जल्दी पोजीशन होने वाली। अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ट्राई कर रहे हो, कोई रीसेल में खरीदोगे, तो मेरी राय यही है कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदो जिसमें पहला कदम ही आपका हो। रीसेल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कोई रेंट पे रह चुका होता है, कोई ओनर रह चुका होता है, यहाँ आप डायरेक्ट खुद अपने फ्लैट के अंदर एंटर होंगे, अपने हिसाब से आप इंटीरियर कराइए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो टावर्स है ना, ये फ्रेश टावर्स है। हाँ। रीसेल में जो भी फ्लैट्स आपको मिलते हैं मे बी वो फ्रेश हो सकता है, पर बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड होती है, वो यूज बिल्डिंग होती है। तो इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा ना वो ये है कि जो भी अभी हमारे पास इन्वेंट्रीज है ये सारे फ्रेश टावर्स हैं और फ्रेश इन्वेंट्रीज हैं, ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट टावर्स हैं। बिल्कुल। तो मेरी राय यही है दोस्तों, आप जल्दी से दिए गए कॉन्टेक्ट के ऊपर आप कॉल करके अपनी साइट विजिट प्लान कीजिए, और दिए गए ऑफर को आप अपनाइए, जिससे आपका आप जो फ्लैट की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, और फर्निशिंग का आपको वाउचर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ हमारे व्यूअर को बताया है, और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी ये प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच सुमित जी, आप आए, हमारा प्रोजेक्ट राइजिंग होम्स आपने कवर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।